नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीलंका खेलने पहुंची टीम इंडिया के लिए मानो हर दिन कोई न कोई बुरी खबर सामने आ रही है। जब से T20I सीरीज शुरू हुई तब से ही टीम इंडिया के सामने कई तरीके की परेशानियां सामने थी। पहले T20I के बाद कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए 8 खिलाड़ियों को भी आइसोलेशन में डाल दिया गया था और वो फिर T20I सीरीज के बाकी दोनों मुकाबलों में नहीं खेले। इसका असर साफ तौर पर सीरीज में दिखा और टीम इंडिया लगातार दोनों T20I मैच हारकर सीरीज गवा बैठी। आखिरी T20I में तो टीम इंडिया सिर्फ 81 रन बना पाई थी और टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। 30 जुलाई शुक्रवार को एक और बुरी खबर ने टीम इंडिया को झकझोर दिया है। जी हां, कृणाल पांड्या के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए 8 खिलाड़ियों में युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम का भी नाम था, लेकिन अब खबर आ रही है कि युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी COVID-19 रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये टीम इंडिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टीम इंडिया में कोरोना विस्फोट हो गया है। जिन 8 खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया था उन्हें दोनों मैचों से भी बाहर कर दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इनमें कई खिलाड़ी पॉजिटिव पाए जा सकते हैं और आखिरकार 2 खिलाड़ी इसमें अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में इन 8 खिलाड़ियों में और भी खिलाड़ी पॉजिटिव निकल सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बायो बबल में एक बड़ी ब्रीच हुई जिसके बाद लगातार कोरोना के मामले टीम इंडिया से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, तीसरे T20I में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 81 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने सिर्फ 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और ना सिर्फ मैच जीता बल्कि T20I सीरीज भी अपने नाम कर ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।